दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के 5 सबसे अजीब और खतरनाक स्विमिंग पूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें से कुछ काफी शानदार वही कुछ इतने खतरनाक है कि कई लोगों ने इनमें अपनी जान गंवा दी। इसीलिए अगर कभी आपको मौका मिले तो भूलकर भी इनमें मत जाना। विंटर स्विमिंग पूल। हर साल फरवरी में स्वीडन में एक चैंपियनशिप करवाई जाती है, जहां पर लोगों के धैर्य को नापा जाता है, जिसके लिए बर्फ को काटकर एक स्विमिंग पूल बनाया जाता है, जिसमें लोग एकदम ठंडे पानी में तैरते हैं, जिसका पानी इतना ठंडा होता है कि लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते और सिर्फ 15 मिनट में ही लोग बेहोश हो जाते हैं। अगर आपका इलाज समय पर नहीं किया गया तो आप 1 घंटे में मर सकते हो। इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज करवाने वाले यहाँ हमेशा मेडिकल स्टाफ रखते हैं। हालांकि पासी में एक हॉट टब दिया गया है ताकि पार्टिसिपेट करने वाले लोग अपने आप को तुरंत गर्म कर सके। क्वींस बाथ। हवाई में कई सारे ऐसे स्विमिंग पूल्स है जहाँ जाकर आप तैर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर, जिसे पुल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पत्थरों के बीच बना एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल है जहाँ काफी तेज और ऊंची लहरें पत्थरों से टकराती है। कई बार तो ये इतनी खौफनाक हो जाती है जिनसे बचना काफी मुश्किल हो जाता है। कई सारे लोगों ने तो यहाँ अपनी जान गंवा दी। केज ऑफ डेथ। ये स्विमिंग पूल ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जो आपको मगरमच्छ के साथ तैरने का मौका देते हैं। इसके पानी में कई सारे मगरमच्छ रहते हैं, जिनमें से एक दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का मगरमच्छ है। यहाँ आने वाले लोगों को एक पिंजरे में बंद करके उन्हें पानी के अंदर उतार दिया जाता है, ताकि लोग मगरमच्छ को नजदीक से देख सके। कई बार तो मगरमच्छ परेशान होकर पिंजरे के काफी नजदीक आ जाता है, जो पानी में मौजूद लोगों के लिए सबसे डरावना पल होता है। इन्फिनिटी पूल। ये स्विमिंग पूल बाकी पूल से काफी अलग है, जिसे एक कंपनी लंदन स्काई क्रीपर के ऊपर बनाना चाहती है। हालांकि इस पूल में जाने और निकलने के लिए रास्ता इसके साइड में नहीं बल्कि इसके पानी के नीचे होगा, क्योंकि बिल्डिंग की छत पर पानी के अलावा किसी और चीज के लिए जगह नहीं होगी। इस पूल में लगाई गई लाइट की वजह से ये रात में अलग अलग रंग बदल सकती है। इसमें नहाते हुए पूरे शहर को देखना किसी जन्नत से कम नहीं लगता। सफारी पार्क पूल। अगर आप प्रकृति के नजदीक रहकर स्विमिंग करना चाहते हो तो आपको इस सफारी पार्क में जरूर जाना चाहिए, जहां आप पानी में तैरते हुए जानवरों को नजदीक से देख सकते हो, और अगर आप लक्की होंगे तो आप हाथियों को और भी नजदीक से देख पाओगे, क्योंकि वो अपनी प्यास बुझाने कई बार स्विमिंग पूल का पानी पीने चले आते हैं। बस थोड़ा खतरनाक जानवरों से सावधान रहे। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी समय लगा, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।